क्योंकि ये ब्राउन पुलाव है तो इसके प्याज भी इस तरह से डार्क ब्राउन होंगे। इसमें मैं ये गोश्त के बड़े बड़े पीस डाल लेती हूँ। ये 2 किलो गोश्त है हड्डी वाला और 1 किलो सैला चावल है। आपको पता भी मालूम भी होगा कि टिकिया या अफगानी खानों में ये गोश्त या चिकन के बड़े बड़े पीसेज होते हैं। अब इसको मैं थोड़ी सी आहिस्ता आंच पे रख लूँ ताकि ये अपना थोड़ा सा पानी छोड़ दे। और ये 2 टेबल स्पून लहसुन है ये मैं उसमें डाल देती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ और इसको मैं इतना भूनूंगी कि ये गोश्त बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर से मैं आहिस्ता आंच पे पकाऊंगी। ये जब थोड़ा सा पानी छोड़ देगा तो फिर मैं इसको ढक लूंगी और फिर मैं इसको बिल्कुल ब्राउन करूंगी इसी प्याज में। अब इसका पानी थोड़ा सा, इसने पानी निकल आया था इससे, उसको मैंने अच्छी तरह से इसमें रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। इस चम्मच से मैं 2 चम्मच भर के ये चॉप्ड टमेटोज हैं, कैन वाले बाजार में मिलते हैं, या 2 बड़े साइज के टमाटर भी आप डाल सकते हैं, बस सिर्फ 2। ये 2 बड़े साइज के टमाटर भी डाल सकते हैं आप इसमें। इसको थोड़ा सा काट के हल्का सा इसको चॉप कर ले मशीन में। अब इसको मैं इसको दोबारा रोस्ट करूँगी। नमक मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, लहसुन अदरक मैंने डाला हुआ है। ये गोश्त को मैंने वो टमाटर डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब उसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि ये गोश्त पानी, ये गोश्त इसमें डूब जाए। ये 1/2 जग में और डालूंगी बीफ है। इसमें मैंने नमक डाला हुआ है। इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। इसमें चूंकि चावल कच्चे हैं तो थोड़ा चावलों में भी पकेगा। फिलहाल इसको अच्छी तरह से पका के इसमें चावल और बाकी जो गरम मसाले वगैरह तब डालेंगे। मेरा अब गोश्त गल गया है, उसको मैं भून रही हूँ। उसमें मैं अभी चावल डालूंगी और चावल के साथ ही ये मैं गरम मसाला ये पीसूंगी, नहीं थोड़ा सा दरदरा सा ये कुटा तकरीबन होगा, काली मिर्च है, ये जीरा है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इलायची है और ये दालचीनी, ये सॉरी बड़ी इलायची है। अब उसको आप साबुत भी डाल सकते हैं और कूट के या पीस के भी डाल सकते हैं। मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, लेकिन ये कि आप दोनों तरीके से आप डाल सकते हैं। अब मैं गोश्त को भून के मैं इसमें चावल मिला रही हूँ। ये गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। इस स्टेज पे देख लें कि अगर इसमें तेल आपको कम लग रहा है, क्योंकि ऊपर आ जाते तो देखो अंदाज़ा हो जाता है, तो आप थोड़ा सा तेल गरम करके डाल सकते हैं। अब इसमें मैं चावल शामिल कर रही हूँ। एक किलो सैला चावल है, इसको मैं मिक्स करके इतना पानी डालूंगी कि ये यहाँ तक इसका पानी आ जाए, क्योंकि ये सैला चावल है थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेते हैं। इसको मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा था। अब मैंने इसमें इतना पानी डाला है,
देखें ये चम्मच का, देखें ये इतना डूब गया है, बस इतना ही पानी काफ़ी है, क्योंकि 3 घंटे चावल भी भिगो के मैंने रखे थे इस स्टेज पे। अभी आप देखें उसमें उबाल आएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना इतने तेल की ज़रूरत है, क्योंकि गोश्त में अपनी चर्बी भी होती है। तो मैं अभी इसमें वो गरम मसाला जो मैंने क्रश किया था वो मैं डाल रही हूँ। भी देखिए मैं ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया है, सारा मैंने पीसा था, ये थोड़ा सा मैंने ऊपर डाल दिया है, समझो 1.5 टेबल स्पून मैंने ये गरम मसाला डाला है। और नमक भी मैंने चख ली, नमक भी बिल्कुल पूरा है, और मेरे हिसाब से मेरा घी पूरा है, क्योंकि मेरा गोश्त जो थे ना, हमारा गोश्त जो था ना वो चर्बी वाला था, इसलिए इसमें मैं और तेल नहीं डालूंगी। अगर आप देख रहे हैं कि आपका गोश्त रूखा है तो आप ज़रूर उसमें थोड़ा सा तेल गरम करके डाल दें, ठंडा तेल ना डालें, ठीक है जी। मैं नमक भी मेरा पूरा है, बस मैं इसको इतना पका रही हूँ कि इसका पानी सूख जाए, फिर मैं इसको दम दे दूँगी। अब ये पुलाव तैयार हो गया है, हमने इसको दम दे दिया था, अभी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब ये KPK स्पेशल ब्राउन बीफ पुलाव तैयार हो गया है, बहुत मज़े का होता है, आप इस तरीके से बनाएं और मेरे चैनल देसी ट्रीट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।